वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस स्कॉर्पियोज. स्कॉर्पियोज ये आपकी लव रीडिंग है कमिंग 30 डेज की. और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप अपनी लव लाइफ में कौन से फेज में स्टैंड कर रहे हैं, मतलब कि आपकी लव लाइफ का फेज कौन सा चल रहा है, क्या चीज़ें आप फेस कर रहे हैं और आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं. तो सबसे पहले तो उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि आप कौन से फेज में हैं. उसके बाद हम जनरल एनर्जीज देखेंगे आपकी लव लाइफ की कमिंग 30 डेज की, कि क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्या सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और उसके बाद सेकेंड पार्ट में इस रीडिंग के हम आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आउटकम देखेंगे. स्कॉर्पियो सबसे पहले है 9 ऑफ वांड्स और 7 ऑफ वांड्स. थोड़ा सा बैटल दिख रहा है आपकी लव लाइफ में और ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट लगाए हैं आपने किसी कनेक्शन में, या फिर ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत की है आपने किसी कनेक्शन में. तो बहुत ज़्यादा एफर्ट आपके दिख रहे हैं. एक्चुअली बैटल टाइप की एनर्जी है कि बैटल्स हुए हैं काफ़ी सारी लव लाइफ में आपके, और मुश्किलें आई हैं आपकी लव लाइफ में, और लड़ा है आपने किसी से बहुत ज़्यादा, या तो अपने हालातों से लव लाइफ के, या फिर अपने पर्सन से, या फिर अपने कनेक्शन को बचाने के लिए फ़ाइट किया आपने. अभी आप 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, मतलब ये बैटल हो गया, बहुत ज़्यादा बैटल चला है, वो बैटल हो गया. आप अब 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी में दिख रहे हो, जहाँ पे अब आप ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे आप किसी को भी अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हो, या फिर अपने करीब आने नहीं दे रहे हो. फॉर सम रीज़न आप थोड़ा सा रजिस्ट कर रहे हो किसी भी कनेक्शन को अपनी लव लाइफ में, किसी को अपने करीब आप आने नहीं दे रहे हो. ओ माय गॉड, ओके. उसके बाद द हैंग मैन की एनर्जी है. हैंग मैन की एनर्जी ऐसी बता रही है कि आप काफ़ी टाइम से स्टक भी हैं सेम पोजीशन पे अपनी लव लाइफ में, या सेम साइकिल में. आपको हो सकता है कि ऐसा लगता हो कि कई सालों से मेरी लव लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, या फिर कई महीनों से नहीं आए हैं, या फिर जिस पोजीशन पे मैं आज से 3-4 महीने पहले था या पहले थी, उसी पोजीशन में मैं अभी भी हूँ. मैं स्टक हूँ किसी कनेक्शन में, या फिर अपनी लव लाइफ में स्टक हूँ. कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी बदल नहीं रहा है. और उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे आइसोलेटेड भी फील कर रहे हैं, और अकेलापन भी फील कर रहे हैं, थोड़ी सी हार्डशिप भी आप अपनी लव लाइफ में फील कर रहे हैं. और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है. ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे फेज़ में अपनी लव लाइफ के स्टैंड करें जहाँ पे कई बार आपको लगता है कि चलो अब चीज़ें बदल रही हैं, अब चीज़ें बेटर हो रही हैं, बट आप फिर से सेम साइकिल में पड़ जाते हैं. या फिर आपको लगता है कि अब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, अब मेरा कनेक्शन अच्छा जा रहा है, या फिर आई थिंक अब मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है, बट फिर से सेम साइकिल रिपीट होती है जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी लव लाइफ में नहीं मिलती है. तो प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ की ये है कि थोड़े से हार्डशिप से आप गुजर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, थोड़ा सा भरोसा उठ गया है लव लाइफ से, थोड़ा सा होपलेसनेस है, स्टक हैं आप अपनी लव लाइफ में. और जब भी आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं तो वो वैसी नहीं होती हैं जैसा आपने एक्सपेक्ट किया होता है. तो बहुत ज़्यादा लैक ऑफ स्टेबिलिटी लव लाइफ में दिख रही है, और ये चीज़ आपको परेशान कर रही है. तो ये आपकी कमिंग 30 डेज़ की एनर्जीज नहीं थी, ये आपकी मई की एनर्जी भी नहीं है, ये आपकी लव लाइफ में आप कौन से फेज़ में स्टैंड कर रहे हो ये उसकी एनर्जी है. बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल है. आपको लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, बट एक्चुअली आपकी लव लाइफ में कोई बहुत ही अच्छा सा ऑफ़र है जो आपको मिलने वाला है, जो इन सारी चीज़ों को चेंज कर देगा, इस एनर्जी को चेंज कर देगा. मुझे लग रहा है कि एक और चीज़ है यहाँ पे, आप बहुत ज़्यादा किसी पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली किसी पर्सन के बारे में जानने और समझने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली उनका सोशल मीडिया चेक करते हो आप कि ये पर्सन क्या कहाँ है, क्या कर रहा है, अभी मेरे बारे में क्या फील कर रहा है, आगे क्या एक्शन ये पर्सन ले सकता है. ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं दिख रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन कंसिस्टेंट आपकी लाइफ में नहीं दिख रहा है. कभी कभी ये पर्सन आता है और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इंटरेस्ट दिखाने लगता हो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छा ऑप्शन आपकी लव लाइफ में आता हो,
बट देन ये एनर्जी कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही है, मतलब आपकी लव लाइफ एक सिक्योर पोजीशन पे नहीं पहुंच पा रही है जहाँ पे आप बोल सके कि हाँ मैं इस पर्सन के साथ सिक्योर हूँ एंड वी आर हैप्पी विथ ईच अदर एंड यू नो, तो आप उस सिक्योर पोजीशन पे अभी नहीं पहुंच पा रहे हो। ये फेज़ है आपकी लव लाइफ का, बट आपकी लव लाइफ में कोई बहुत ही बड़ा ऑफर है जो आपको मिलेगा, जो लिखा हुआ है, इट्स रिटर्न इन योर डेस्टिनी, या आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, मतलब इस एनर्जी का कोई अंदाज़ा नहीं है आपको, कोई ग्लिम्स नहीं है आपको, आपको पता नहीं है कि ये चीज़ आपकी लव लाइफ में होने वाली है। आप शायद होपलेस फील कर रहे हो, बट ये होपलेसनेस हमेशा नहीं रहेगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आप क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं स्कॉर्पियोज, और कौन से लोग हैं जो आपकी लव लाइफ में दिख रहे हैं। सो ओ मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। सिक्स ऑफ वांड्स की एनर्जी है और द हैंग्ड मैन की एनर्जी है। सिक्स ऑफ वांड्स, हैंग्ड मैन यहाँ पे भी आया था, हैंग्ड मैन यहाँ भी आया है। आप सक्सेस के पहले ही आपका हमेशा कनेक्शन रुक जाता है। अगेन ये एनर्जी है कि सिक्स ऑफ वांड्स सक्सेसफुल होना बताता है, लव लाइफ में सक्सेसफुल होना, कनेक्शन का सक्सेसफुल होना, जो आप चाहते हैं वो चीज़ होना, ओके सिक्स ऑफ वांड्स। बट आपकी ये सक्सेस की एनर्जी हमेशा रुक जाती है, लाइक ये ठहर गई है, ये इस लेवल तक हम आ नहीं पा रहे क्योंकि चीज़ें बीच में ही स्टक हो जाती हैं। वैसी एनर्जी दिख रही है कि हमें लगता है कि अब ये वाला कनेक्शन या फिर ये वाली साइकिल या फिर ये वाला मेरा पर्सन के साथ में जो फेज़ है परफेक्ट चलने वाला है, अब सब कुछ ठीक हो रहा है, बट देन आगे नहीं बढ़ पाता है, राइट। वो चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे मई में। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है और पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है। अभी आप चाहो या आप नहीं चाहो, मैं बस जो एनर्जी आ रही है उसको बता रही हूँ। आपकी लाइफ में नाइट ऑफ कप्स है और पेज ऑफ वांड्स है, कोई नई एनर्जी है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। नो मैटर आप अपनी लव लाइफ में स्टक थे, ये था वो था जो भी था, कोई नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में एक्चुअली थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेके आ रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि इस पर्सन को आप एक्सेप्ट कर लोगे, आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चले जाओगे, आप में से कुछ लोग जा भी सकते हैं, बट ये ना एक नया एक्साइटमेंट, आपकी बोरिंग टेंशन स्ट्रेस भरी लव लाइफ में थोड़ा सा एक्साइटमेंट ये पर्सन लेके आ रहा है। कुछ मैसेजेस मिलेंगे आपको कमिंग 30 डेज़ में, कुछ बातें होंगी किसी पर्सन से कमिंग 30 डेज़ में, और ये जो सैडनेस की एनर्जी है या स्टकनेस की एनर्जी है, ये सब चीज़ें चेंज होंगी थोड़ी सी, थोड़ा एक्साइटमेंट आपकी लव लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि राइट अवे कोई पर्सन है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो इमेज है, ये जो पर्सन है, ये फ्लावर्स लेके यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये फ्लावर्स या ये इस पर्सन को देख के आपको एक्साइटमेंट हो रहा है अपनी लव लाइफ में। तो यस, यहाँ पे एक्साइटमेंट की एनर्जी है। उसके बाद में पेज ऑफ वांड्स, पेज ऑफ कप्स, ये बहुत ही नई एनर्जीज हैं आपकी लव लाइफ में। ओ माय गॉड, यहाँ पेज ऑफ कप्स है। अगेन कोई पर्सन है जिसको देख के आपको इंटरेस्ट आ रहा है, यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे ये पर्सन है, ये पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है और आप भी इस पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे हो मई में, और आप दोनों एक दूसरे के साथ एट सम पॉइंट अपना फ्यूचर देखने लग गए हो। तो यहाँ पे ओ माय गॉड वाओ, आई थिंक जो हम यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल देख रहे थे वो ये हो सकता है, ये जो नई एनर्जी आपकी लाइफ में दिख रही है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम नई हो सकता है 2-3 महीने पहले से आप में कोई इंटरेस्ट ले रहा है, बट ये अनएक्सप्लोर्ड एनर्जी है, 100% नई एनर्जी है, अनएक्सप्लोर्ड एनर्जी है, मतलब कि कोई नया पर्सन है, कोई नया कनेक्शन है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ में एक एट वन पॉइंट शायद एक दूसरे के साथ में आप लोग फ्यूचर देखने लग जाएं। तो यहाँ पे तो एनर्जी एकदम ही चेंज हो रही है, क्या कर रहे हैं आप। ओ गॉड, आप इस फेज से निकल रहे हो, जो मैंने फेज आपको डिस्कस किया था उससे आप निकल रहे हो। उसके बाद में नाइन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, पर टेंशन भी है, स्ट्रेस भी है, एक्साइटमेंट आ रहा है लाइफ में, अच्छा लग रहा है, कोई पर्सन हमें अटेंशन दे रहा है, एक बार को हम उस पर्सन को कंसीडर भी कर रहे हैं, बट देन एट द सेम टाइम टेंशन भी आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। शायद ये कन्फ्यूजन इस चीज़ का हो सकता है कि किसी नए कनेक्शन में जाएँ या नहीं जाएँ, या फिर
डर हो सकता है कि ये नया कनेक्शन वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, कुछ डर है और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो आप मई में, आंखों पे आपकी पट्टी बंधी हुई है और आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चूज़ करना है लाइफ में, बट थोड़ी सी एन्जाइटी और ओवर थिंकिंग है। एन्जाइटी और ओवर थिंकिंग क्यों है? क्योंकि पास्ट से ही हमने बहुत सारा टफ टाइम देखा है अपनी लव लाइफ में, राइट? उसकी वजह से कुछ अच्छा भी हो रहा है तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस अच्छी चीज़ को चूज़ करना है कि नहीं करना है। उसके बाद नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है और जजमेंट की एनर्जी है। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे भी मैंने देखी थी। आई डोंट नो यहाँ पे क्या हो रहा है, बट यहाँ पे अगेन आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आपको कोई सेकेंड चांस मिल रहा है स्कॉर्पियो, 100% फॉर श्योर। बिकॉज जजमेंट अगेन बताते कि पहले आप टेंशन में थे, पहले एकदम फ्रीक आउट थे, कुछ नहीं हो रहा है लव लाइफ में, मुझे अकेला लग रहा है, कभी कुछ नहीं होगा, दिस एंड दैट। बट देन यहाँ पे जजमेंट आता है और जजमेंट एक्चुअली रिन्यूअल ऑफ होप बताते हैं कि बहुत ही होपफुल हो रहे हो आप, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो आप अपनी लव लाइफ को लेके। और यहाँ पे कोई नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है, कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है अगेन जो एक्साइटमेंट लेके आ रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट पैशन, एक्साइटमेंट। तो बहुत ही एक्साइटमेंट आप फील करने वाले हो अपनी लव लाइफ में, बट बीच बीच में ना ये सैडनेस भी है जो पीक कर रही है। सैडनेस भी बीच बीच में फील हो रही है, बट एक्साइटमेंट भी बीच बीच में आ रहा है। और कोई तो पर्सन है नेक्स्ट 30 डेज़ में जिससे आप बातें कर रहे हैं, बातें बहुत अच्छी हो रही हैं और एक्साइटिंग लग रहा है आपको सब कुछ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है सब कुछ आपको। उसके बाद में यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है और द एम्प्रेस की एनर्जी है, बट कन्फ्यूजन भी है, कन्फ्यूजन भी है। कौन सा रास्ता चूज़ करें, क्या एक्शन लें, क्या एक्शन नहीं लें, क्या यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ दें या फिर किसको चूज़ करें। तो कन्फ्यूजन तो दो दो कार्ड से दिखाता, आपके दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होगा। इवन दो कन्फ्यूजन एम्प्रेस को लेके है, कन्फ्यूजन फ्यूचर को लेके है कि कौन से कनेक्शन में रहने से फ्यूचर सिक्योर होगा, कौन सा ऐसा कनेक्शन है जो परमानेंट हो सकता है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा चलते हुए दिख रही हैं। तो इवन दो आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं किसी के साथ में, बीच में थोड़ी सैडनेस भी है, स्टकनेस भी है, बट जिस भी पर्सन के साथ में आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट आ रहा है, आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे कि क्या ये सही ऑप्शन है, क्या ये सही पर्सन है। तो नेक्स्ट कमिंग 30 डेज़ में कंफ्यूजन भी है बट पॉजिटिविटी भी है, ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है और पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। दो चीज़ें थ्री ऑफ कप्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है। अगर आप ऐसे स्टेज में जहाँ पे, अगर ये साइड नोट है, अगर आप ऐसे स्टेज में हैं अपनी लाइफ में जहाँ पे आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं, तो आप कॉन्स्टेंटली अपने पर्सन को स्टॉक करेंगे। एक चीज़ जो आप थ्रू आउट मई करते हुए दिख रहे हैं, नो मैटर आप किससे बात कर रहे हैं, नो मैटर आप लाइफ में क्या फन कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं या खराब टाइम, खराब टाइम को एक्सपीरियंस कर रहे हो ओवर थिंक करके, एक चीज़ कॉन्स्टेंटली नेक्स्ट 30 डेज़ में दिख रही है कि आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, उसको लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो। स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत है, कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं, आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, आप किसी पर्सन का सोशल मीडिया देख रहे हो, आप लोगों से उनके बारे में आई थिंक पूछ रहे हो और आप कॉन्स्टेंटली क्यूरियस हो रहे हो किसी पर्सन को लेके। एंड आई थिंक ये रिकन्सिलिएशन से रिलेटेड है, तो ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है आपका जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हो। इन सम केसेस ये दोनों कार्ड्स इसीलिए आए हैं क्योंकि देयर इज़ अ चांस कि आप, देयर इज़ अ चांस कि कोई पर्सन आपको आपके ऐसी जगह पे मिले जहाँ पे और भी लोग हों, जैसे ऑफिस एनवायरमेंट, कॉमन किसी फ्रेंड की कोई गैदरिंग, या फिर किसी कोचिंग क्लास में, आई डोंट नो, जहाँ पे और भी लोग हैं और एकदम से आपकी नज़र किसी पर्सन पे जाती है, उस पर्सन की नज़र आप पे जाती है और आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हो। ये सोशल मीडिया भी हो सकता है। तो अचानक से ये जो नया पर्सन या फिर जो नई एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, हो सकता है कि आप उस इंसान को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाएं, बट यस, ये एक्साइटमेंट की एनर्जी है। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल है और थ्री ऑफ सॉर्ड्स है। आपको जो जो एक चीज़ जो परेशान कर रही है मई में, वो ये है कि आप ना स्टेबल होना चाहते हो अपनी लव लाइफ में बहुत जल्दी,
और आप कभी कभी पेशेंस लूज कर देते हो, आपको लगता है कि मुझे ये टॉकिंग स्टेज में नहीं पढ़ना है, मुझे अभी जानना है कि मेरा सोलमेट कौन है, या फिर मुझे अभी जानना है कि मैं किसके साथ एंड अप होने वाला हूँ या एंड अप होने वाली हूँ, तो जो आपकी डिज़ायर ऑफ स्टेबिलिटी है, क्योंकि दिख रहा है कि स्टेबली बहुत स्टेब ओ माई गॉड आई एम फमलिंग आई एम सॉरी, स्टेबिलिटी बहुत टाइम से आपको मिली नहीं है स्कॉर्पियो, तो जो डिज़ायर है आपकी स्टेबिलिटी की वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। और कई बार आपको बहुत ज़्यादा एन्जाइटी होने लगती है कि क्या मैं इससे बात कर रही हूँ, ये सही पर्सन है या नहीं, या फिर तो यहाँ पे रेस्टलेसनेस है, क्योंकि स्टेबिलिटी लव लाइफ में नहीं मिल रही है आपको, और वो ग्रेजुअली मिलेगी, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं मिली तो अभी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे पेन आप अक्सर फील करते हो इस चीज़ का कि मुझे लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, और मुझे अब जल्दी चाहिए, मुझे पता करना है कि मेरा फ्यूचर किसके साथ लिखा हुआ है, मेरी पूरी ज़िंदगी किसके साथ लिखी हुई है। तो एक थोड़ा सा डेस्परेशन और इम्पेशेंस की भी एनर्जी है, एंड आई टोटली गेट इट, आपकी गलती भी नहीं है। अगर आपने पिछले कई महीनों सालों से स्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। एक दूसरी चीज़ के आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई वर्गो टॉरस या कैप्रिकॉन हो, कन्या राशि, वृषभ राशि या फिर मकर राशि, ये पर्सन देर इज़ अ चांस कि ये पर्सन थोड़ा सा ना आपकी लाइफ में डिसकम्फर्ट लेके आए, या फिर थोड़ा सा पेन आपको पहुँचाए, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल के साथ में थ्री ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। उसके बाद टावर की एनर्जी है और एट ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ट्रायल एंड एरर से आप गुजरोगे अपनी लव लाइफ में, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ स्कॉर्पियो, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये फेजेस सबकी लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ में भी आएंगे, जहाँ पे आप ट्रायल एंड एरर से गुजरोगे। ट्रायल एंड एरर क्या होता है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लिखी हुई है बट आप ट्रायल एंड एरर से गुजरोगे। आपकी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली लिखी हुई हैप्पी मैरिड लाइफ लिखी हुई है बट आप ट्रायल एंड एरर से गुजरोगे, आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप इस लाइफ के ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पे आप एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हो, आप चाहते हो अपने सोलमेट को चाहते हो, एक हैप्पी फैमिली चाहते हो, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप पहुंचने वाले हो सही जगह पे, अल्टीमेटली आप हैप्पी कनेक्शन में पहुंचने वाले हो, बट वहाँ तक पहुँचने तक थोड़े ट्रायल एंड एरर्स हो सकते हैं। आपको बीच बीच में लग सकता है कि ओ आई थिंक इसके साथ मैं एंड अप होने वाली हूँ या एंड अप होने वाला हूँ, बट बाद में आपको रियलाइज हो सकता है कि नहीं, ये ठीक पर्सन नहीं है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको दूसरा ऑप्शन मिले, फिर उस ऑप्शन को थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद में आपको समझ में आए कि नहीं, ये पर्सन मेरे से इतना ज़्यादा कंपैटिबल नहीं है। फिर हो सकता है कि आपको कोई पर्सन पसंद आए जो हर तरीके से अच्छा हो, बट फिर आपको रियलाइज़ हो कि नहीं, पर ये पर्सन तो कमिटमेंट के लिए रेडी ही नहीं है। आपका जो आपके ट्रू लाइफ पार्टनर तक तो पहुँचने की प्रोसेस है ना, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, स्पेशली अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं और इस रीडिंग से रिलेट कर रहे हैं, तो 60-70% भी रिलेट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप अपने ट्रू हैप्पी रिलेशनशिप तक पहुंचेंगे, बट बीच में आपके ट्रायल एंड एरर होंगे। इसीलिए किसी भी कनेक्शन में रश नहीं करना है, किसी भी कनेक्शन में जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। यहाँ पे सजेशन सबसे बड़ा यह है कि इस प्रोसेस को इंजॉय करें, डेस्परेट नहीं होना है आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इस प्रोसेस को इंजॉय करना है आपको, कि आप किसी से मिल रहे हो, आप उस इंसान को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप 2-4 दिन 5 दिन बात कर रहे हो या फिर 1 महीना बात कर रहे हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 दिन आपने बात की और आप इस कॉन्क्लूजन पे आ गए कि हाँ यही मेरा फ्यूचर सोलमेट है, ऐसा नहीं आपको करना है। आपको ना ग्रेजुअली उस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रायल एंड एरर होंगे आपकी लव लाइफ में, एंड दैट्स टोटली फाइन। तो पेशेंस की ज़रूरत है हमें यहाँ पे, बहुत ही जल्दी किसी कनेक्शन में आके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखना है, और थोड़ा सा पेशेंस के साथ में इस चीज़ को लेना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आ गया ना, आ गया ना, टोल्ड यू सब कुछ वर्थ इट है, जो भी ट्रायल एंड एरर से आप गुजरेंगे। आई थिंक ये दोनों कार्ड आई डोंट नो कि मई में होंगे या नहीं, पर ये चीज़ क्यों आई है, क्योंकि यूनिवर्स हमें अफर्म करना चाहते हैं कि जो जो बात मैं आपको बता रही थी वो सच है। यहाँ पे फिर से एस ऑफ पेंटिकल आया, एस ऑफ पेंटिकल ये अल्टीमेट ऑफर होगा आपकी लाइफ का, जो आपकी लव लाइफ में अल्टीमेट बैलेंस लेके आएगा। यही मैंने आपको बताया था
एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल सेम कार्ड है राइट. तो यहाँ पे यूनिवर्स अफर्म कर रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको वैसा ऑफर मिलेगा जो आपकी लाइफ को बदल देगा. फाइनली एक हैप्पी कनेक्शन में, अबंडेंट कनेक्शन में, जहाँ पे पैसा भी है, स्टेबिलिटी भी है, बिकॉज पेंटिकल है. पेंटिकल अबंडेंस का साइन है. पेंटिकल पैसे पैसे हैं, कंफर्टेबल जिंदगी है, हैप्पीनेस है और हैप्पी फैमिली है. ये सारा पैकेज आपको मिलने वाला है. और जस्टिस बता रहा है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा. तो हम जो बातें कर रहे थे, यूनिवर्स ने हमें अफर्म कर दिया है. बट इस लेवल तक पहुंचने में बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स हो रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, टावर मूवमेंट आ रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है, सब टाइप की चीज़ें हो रही हैं. बट अल्टीमेटली आप यहाँ तक पहुँचेंगे. तो हमें क्या, थोड़ा सा इमोशंस को साइड में रख के लॉजिकल ब्रेन को यूज़ करना है. इवन दो आप किसी मैट्रिमोनी साइट पे नहीं हो, बट मैं आपको बताऊं कि आपकी लव लाइफ थोड़ी अटिपिकल चल रही है. जैसे जब अरेंज मैरिज होती है तो आप दो चार लोगों से मिलते हो और कुछ दिन बात करते हो. फिर कभी आपको एक बार में ही अपना इंसान मिल जाता है, कभी चार पाँच बार में आपको अपना पर्सन मिलता है. आपकी लाइफ वैसी चल रही है कि आपको चार पांच बार में या एक दो बार में अपना पर्सन मिल रहा है, ओके, एंड इट्स टोटली फाइन. जस्ट इन्जॉय द प्रोसेस. किसी भी चीज़ को दिल पे नहीं लेना है, इस प्रोसेस को इन्जॉय करिए. हैव फन विद दिस प्रोसेस, ओके. अब हम आपकी लाइफ कैसे, अब आपकी लव लाइफ के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम वाले पार्ट पे आते हैं. और जो भी पर्सन अभी आपकी एनर्जी फील्ड में डोमिनेंट है, वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये भी हम जानेंगे. तो सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम के लिए कार्ड्स निकालते हैं. यूनिवर्स प्लीज शो अस क्लियरली. ये चीज़ जब आपकी लाइफ में आएगी ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं. बिकॉज आप इतने ज़्यादा खुश होने वाले हैं ना, आपको लगेगा ओ माई गॉड, फाइनली मेरा टर्न आ गया. नाउ दिस इज़ माई टर्न टू हैव अ हैप्पी एंड ब्यूटिफुल लाइफ, यू नो. सो दिस इज़ गुड. ओके यूनिवर्स, शो अस. एस ऑफ वांड्स, यस. फोर ऑफ Swords, Knight of Wands. Okay. ओके हाँ, सो क्या हो रहा है यहाँ पे. ओ माय गॉड, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि एस ऑफ वांड्स को कौन सा कार्ड सपोर्ट कर रहा है या फिर क्रॉस कर रहा है. प्लीज़ शो अस क्लियरली. आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग, बट मैंने एक कार्ड कम निकाला है एंड देयर मस्ट बी अ रीज़न, राइट. ओके यूनिवर्स प्लीज शो अस के एस ऑफ वांड्स को कौन सा कार्ड सपोर्ट कर. मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ओके, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. ये थर्ड टाइम एस ऑफ पेंटिकल आपके लिए आया है. ये वही कार्ड है जो हमने यहाँ देखा था, ये वही कार्ड है जो हमने यहाँ देखा था और ये यहाँ पे भी है. और मैं, पता है, एक्चुअली ये वाला कार्ड यहाँ पे क्रॉस होना था, बट मेरी इंट्यूशन ने बोला कि इस कार्ड को मुझे यहाँ पे रखना है. ओके, फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि एस ऑफ वांड्स को सपोर्ट करने के लिए कोई कार्ड ही नहीं है. फिर मैंने यूनिवर्स को बोला कि आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा कार्ड आना चाहिए, और यूनिवर्स ने हमें एस ऑफ पेंटिकल दे दिया. कैन यू इमेजिन दिस, हाउ मैजिकल दिस इज़. तो सी, सबसे पहले एक मेजर बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ. जिस तरीके से एस ऑफ पेंटिकल बार बार आ रहा है, यहाँ पे अगर लाइफ आपको चॉइस दे, आई नो हर कोई इससे रिलेट नहीं करेगा, बट हमेशा याद रखना कि लाइफ अगर आपको चॉइस दे रही है
कि आपको एक रिलेशनशिप को चूज़ करना है या फिर आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को चूज़ करना है, तो हमेशा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चूज़ करें। एटलीस्ट अभी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को चूज़ करें, बिकॉज़ यूनिवर्स बार बार आपको ना फाइनली 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 आप सेटल हो जाए उस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। एंड अगर फॉर एनी रीज़न, सी आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, हम लव रीडिंग कर रहे हैं, हम बहुत सेंसिटिव होते हैं अपनी लव लाइफ को लेके। आई हैव बिन थ्रू दिस, मुझे पता है कि कैसा लगता है कि यू नो, आप किसी के लिए इंटेंस, आप किसी को बहुत दिलो जान से प्यार करते हैं और आप हर एक रीडिंग में सुनना चाहते हैं कि आप उस पर्सन के साथ एंड अप होंगे। बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको दिलासे देने नहीं आई हूँ, मैं आपको इस यूनिवर्स का सच बताने आई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप जो चाहते हैं वो होगा नहीं, बट यूनिवर्स यहाँ पे क्या मैसेज दे रहे हैं मैं आपको वो बताना चाहती हूँ बार बार, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है। यहाँ पे आपका जो पहला कार्ड आया था वो एस ऑफ वांस है, और यहाँ पे दूसरा कार्ड जो इस कार्ड को क्रॉस किया है या सपोर्ट किया है, समझ लीजिए एस ऑफ पेंटिकल ने। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि यूनिवर्स आपको सबसे पहले ये सजेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों में अपना टाइम इन्वेस्ट करें या फिर लाइफ में ऐसे ऑप्शंस में अपना टाइम इन्वेस्ट करें जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए। ऐसा कनेक्शन नहीं होना चाहिए कि जिसमें कोई कमिटमेंट ही नहीं है, ऐसा कनेक्शन नहीं होना चाहिए कि आप किसी पर्सन के प्यार में तो पागल हो रहे हैं पर वो पर्सन, आप उसकी कोई इंटेंशन ही नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप में रहने की, आपसे शादी करने की या फैमिली क्रिएट करने की। ऐसे कनेक्शन में जाए जो स्टेबिलिटी लेके आए। बिकॉज अब मैं आपको वांस और पेंटिकल में ना डिफरेंस बताती हूँ, ये दोनों कार्ड आपके लिए आए हैं, एंड एट सम पॉइंट आप वांस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक सम पॉइंट आप पेंटिकल को मैनिफेस्ट कर रहे हो। वांस क्या होता है, कोई पर्सन अचानक से आपकी लाइफ में आया, बहुत ही कूल इंसान है, बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत आपको मज़ा आता है उस पर्सन से बात करके, बहुत ही ह्यूमरस है, बहुत ही आपको हंसाता बहुत है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, कपड़े बहुत ज़्यादा कूल पहनता है, बातें बहुत अच्छी करता है, और आप बहुत ही उससे अट्रैक्टेड फील करते हैं, और यू नो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फन है बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में, फन हो सकता है इसीलिए भी हो क्योंकि आपको कई बार चेज़ भी करना पड़ रहा उस इस पर्सन में, थोड़ा सा एटीट्यूड है और आप चेज़ भी करते हो कभी कभी इस पर्सन को, आप बहुत ही डेस्परेट रहते हो कि उसका मैसेज या कॉल कब आएगा। ये वांस की एनर्जी है। कि वो पर्सन जब भी आता है तो बड़ा एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में लेके आता है, बट ये पर्सन कई बार चला भी जाता है, कई बार आपको रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा। ये ऐसी एनर्जी है कि आए एकदम से ज़िंदगी में आए तो 5-10 दिन तो आपकी ज़िंदगी को एकदम ही बना के रख दिया इस इंसान ने, इतनी अच्छी अच्छी बातें की, बट फिर जैसे ही ये एनर्जी जितनी जल्दी ऊपर जाती है नीचे भी आती है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा फायर की एनर्जी है। फायर इन एंड आउट होना बताता है, फायर की खासियत ही होती है इन एंड आउट होना, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ऐसे पर्सन के साथ में स्टेबिलिटी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है स्कॉर्पियो। बिकॉज़ ये पर्सन यहाँ बहुत ही कूल लग रहा है आपको, सब कुछ कर रहा है, ये बीच में आपको भाव देना बंद कर देगा, आप इसको चेस करने लग जाएंगे, आप इसको ऑब्सेस, आप इसके पीछे ऑब्सेस होने लग जाएंगे। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि दोनों ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या तो दोनों आ चुके हैं या तो एक आ चुका है। अब ये जो फायर है इसका कोई भरोसा नहीं, ये आपको आपको प्रॉमिस नहीं देगा कि ये आपके साथ में ज़िंदगी भर रहने वाला है, ये आपको सिक्योरिटी नहीं देगा, ये आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा। इसका आपको अपनी लाइफ में आना जितना ज़्यादा एडवेंचरस लग रहा है, ये उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ से गायब भी हो सकता है। बट ऑन द अदर हैंड जो एस ऑफ पेंटिकल होता है, एस ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, ये ऑफर, ये होता है फैमिली का ऑफ़र, ज़िंदगी भर साथ में रहने का ऑफ़र, स्टेबिलिटी का ऑफ़र, ज़िंदगी भर का प्रॉमिस होता है ये। ये एनर्जी धीरे धीरे लाइफ में आती है, ये धीरे धीरे बिल्टअप होती है। ये इंसान वो नहीं है कि जैसे ही आपकी लाइफ में आएगा तो आपसे बड़े बड़े वादे करने लग जाएगा और पता नहीं व्हाट नॉट। ये स्टेबिलिटी है जो आपको लाइफ में मिलेगी कि ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएगा, ये पर्सन आपका साथ निभाएगा और ये पर्सन ज़िंदगी भर आपके साथ में रहेगा। अब ज़िंदगी आपको दोनों चॉइसेस देगी और आपको चूज़ करना है कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप किसी कनेक्शन में बार बार इन एंड आउट होना चाहते हैं कि कभी आपको होप मिल रही है इस कनेक्शन में, कभी ये होप जा रही है, या फिर
कभी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपसे क्लोज हो गया है, कभी ये पर्सन दूर चला गया है, कभी इन हो रहा है, कभी आउट हो रहा है, क्या आप ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं? क्योंकि ये टेम्पटिंग बहुत लगता है. और टेम्पटिंग क्यों लगती है ये एनर्जी, मैं क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि आपके साथ आई थिंक होने वाला है. ये एनर्जी टेम्पटिंग क्यों लगती है, क्योंकि चाइल्डहुड से, बचपन से हमारे कुछ चाइल्डहुड इश्यूज़ होते हैं, हमारे कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, कुछ अबैंडमेंट इश्यूज होते हैं. हमें चेस करना अच्छा लगता है, जो इंसान हमें भाव नहीं देता है उससे हम और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं. ये ट्रॉमास की वजह से होता है और कुछ भी नहीं है. आप क्यों किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आपके ट्रॉमास की वजह से. तो एक पर्सन ऐसा आएगा, दूसरा पर्सन ऐसा आएगा जो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होगा अपनी लाइफ में, जिसके ड्रीम्स बड़े होंगे, जिसका एम्बिशन बड़ा होगा, और जो अपना टाइम वेस्ट लाइफ में नहीं करना चाहता है. वो 10 लोगों से बात नहीं कर रहा है. इस पर्सन की ये जो वांस की खासियत ये भी है कि ये पर्सन 10 लोगों से बात करेगा, 10 लोगों से कनेक्शंस बनाएगा. ये बहुत ही टिपिकल प्ले बॉय प्ले गर्ल की एनर्जी भी होती है कई बार. बट ये जो पेंटिकल है, ये स्टेबिलिटी है. लाइफ आपको दोनों ऑप्शंस देगी स्कॉर्पियो, इसीलिए मैंने आपको डिटेल में समझाया है इस चीज़ को कि यू हैव टू बी वेरी वाइस. और यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा दिमाग से सोचना है आपको. आपको अपना दिमाग लगाना है कि आज से 10 साल बाद किस कनेक्शन में एनर्जी लगा के आप खुश रहेंगे. आप वान में एनर्जी लगाओगे अपनी, या फिर पेंटिकल में लगाओगे. अभी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको पास्ट में डिफ़िकल्ट चीज़ें हुई हैं, आप हील कर रहे हो उन चीज़ों से कमिंग 30 डेज में. और इस हीलिंग के दौरान ही कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपसे बातें भी कर रहे हैं. तो एक चीज़ जो हो रही है कि भर भर के ऑप्शंस आपको लव लाइफ में मिल रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आपका ध्यान इन ऑप्शंस पे नहीं हो, चलेगा, कोई बात नहीं. बट ऑप्शंस कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में आ रहे हैं. और यहाँ पे यूनिवर्स आपको 4 ऑफ कप्स का सजेशन दे रहे हैं. यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी नया ऑप्शन भी आपकी लाइफ में आता है, रिकन्सिलेशन भी आपकी लाइफ में होता है, अगर कोई रिकन्सिलेशन हो रहा है, कोई नया ऑप्शन भी आ रहा है, तो बहुत ही जल्दी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है आपको. उस कनेक्शन को टाइम देना है, प्रॉपरली एक्सप्लोर करना है, फिर किसी कॉन्क्लूजन पे उतरना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी से बात कर रहे हो और बात आपने 4 दिन की और आपने पूरी इस जन्म के अगले 7 जन्म के सपने उस पर्सन के साथ देख लिए. नहीं, एक्सप्लोर द कनेक्शन, चाहे वो रिकन्सिलेशन हो, चाहे वो नया कनेक्शन हो, टाइम लेके आपको एक्सप्लोर करना है कनेक्शन को अपने. बहुत ही जल्दी कॉन्क्लूजन पे नहीं आना है. और ये आपकी लाइफ का ऐसा फेज है स्कॉर्पियोज, जहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मैच्योर बने, थोड़ा सा अपने इमोशंस को बेटर तरीके से हैंडल करें, राइट? अब पास्ट में हम देखें तो यहाँ पे है नाइट ऑफ वांड्स और 7 ऑफ कप्स. ये पास्ट में आपके साथ हो चुका है, 100% हो चुका है कि कोई पर्सन बहुत ही पैशन के साथ आपकी तरफ आया, फिर उसने अपनी एनर्जी को पीछे खींच लिया, फिर आया, फिर पीछे खींच लिया. और इस चीज़ ने बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में क्रिएट किया है. किसी पर्सन के बिहेवियर ने आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है. एक पॉइंट पर आपको ऐसा भी लगा कि ये पर्सन इतना मतलब ही था कि ये आया, इसको मुझसे जो चाहिए था इसने ले लिया और ये फिर वापस चला गया. या फिर आपको रियलाइज़ हुआ जब ये पर्सन आपकी लाइफ में था कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है. और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका प्रेशियस टाइम, एनर्जी, पैसा, कुछ ना कुछ का लॉस आपको हुआ है इस पर्सन के कारण. अब ये भी हो सकता है कि इसी पर्सन के साथ में आप रिकन्सिलेशन भी चाहते हो. आप ये सोच रहे हो कि 4 दिन पहले तो मुझसे अच्छे से बात कर रहा था, 1 महीने पहले तो अच्छे से बात कर रहा था, अचानक गायब हो गया या इसका बिहेवियर चेंज हो गया. तो हो सकता है अभी आप रिकन्सिलेशन सीख कर रहे हो. बट आपकी लाइफ में रिकन्सिलेशन हो भी सकता है, बट आपके पास दो दो ऑप्शंस हैं. अब उसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा समझदारी से अपनी, कि आप क्या चूज करना चाहते हैं. ओके, देखिए, प्यार में पागल रहिए, बट अगर वो प्यार आपको मिल रहा है तो प्यार में कॉम्प्रोमाइजेस करिए, अगर सामने वाला भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो. अभी उसके बाद में फ्यूचर में देखें तो फ्यूचर में भी थोड़ा सा डिसीजन लेने में मुश्किल हो रही है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा डिसीजन लेने में मुश्किल हो रही है. अगले 1 डेढ़ 2 महीने आपके थोड़े से कंफ्यूजन में जाएंगे फॉर श्योर. अब यहाँ पे एक चीज़ ये हो रही है कि आपका किसी पर्सन से बहुत ही अच्छा कनेक्शन फॉर्म हो रहा है,
और आप लाइफ में थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हो इन सारी टेंशंस को छोड़ के, लव लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको छोड़ के, देर इज़ अ चांस, जो मैंने पहले भी देखा था पेज ऑफ कप से, कि कुछ ऑप्शंस आपकी लाइफ में आए, आप उनके साथ में बातें करें, आपको बहुत ही अच्छा फील हो, कोई आपको सपोर्ट करे, आप लाइफ को थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। मतलब आप लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ अच्छे लोग आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। इवन दो इस महीने आप इस कॉन्क्लूजन पे नहीं आ पाओगे कि कौन पर्सन आपके लिए बना हुआ है, डू रिमेंबर यहाँ पे ट्रायल एंड एरर होंगे आपकी लव लाइफ में, बट आप कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो और मुझे खुशी हो रही है आपको अच्छी एनर्जीज में देख के। बट अल्टीमेटली ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं आपकी लाइफ में। अब यहाँ पे ये एक डेढ़ महीने ये फ्यूचर की एनर्जी है, जहाँ पे डिसीजन ले रहे हो आप, एक्सप्लोर कर रहे हो आप, अभी भी आप किसी कंक्लूजन पे नहीं आए हो। एक डेढ़ महीने बाद भी आपकी लाइफ किसी कंक्लूजन पे नहीं आई है लव लाइफ। और अगर हम फर्दर आगे जाएं और भी ज़्यादा फ्यूचर में जाएं, जैसे 3-4 महीने बाद, तो यहाँ पे आप किसी साइकिल को पूरे तरीके से एंड कर रहे हो। आई डोंट नो टेम्प्रेरली एंड कर रहे हो या परमानेंटली, इसीलिए इन सारे कार्ड्स को देख के मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने बाद ही आपको क्लैरिटी मिलेगी अपनी लव लाइफ में। 2-3 महीने तक ट्रायल एंड एरर से आप गुजरेंगे, हो सकता है आपको ऑप्शंस मिल जाएं, अपॉर्चुनिटी मिल जाएं, आप उन ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करो, बट किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पाओ। इसीलिए स्टार्टिंग से मैं बोल रही थी कि आप अपनी लव लाइफ में ट्रायल एंड एरर से गुजर रहे हैं स्कॉर्पियो, एंड दैट्स टोटली फाइन। आपका एम ये होना चाहिए कि अल्टीमेटली आपको ऐसा इंसान मिले लाइफ में जिसे आप प्यार दे सकें, वो आपके प्यार को ब्यूटीफुली रिसीव भी करे और आपको भी प्यार दे, आप दोनों एक दूसरे को केयर करो, सपोर्ट करो, साथ में ग्रो करो। ये आपका अल्टीमेट एम होना चाहिए, ना कि आंखों पे पट्टी बांध के आप किसी पर्सन को चेस करने लग जाओ। ठीक है, तो अगर आप इस रीडिंग से रिलेट नहीं कर रहे हो तो दैट्स टोटली फाइन। अगर आप ऐसे स्टेज में हो जहाँ पे यू लव समवन, वो इंसान भी आपको बहुत प्यार करता है और आप अलग ही टेंजेंट पे हो एकदम, तो हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो। आपको ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस स्टोरी को अपनी स्टोरी नहीं मानते हो तो, बिकॉज मुझे बींग अ रीडर फ्रीडम चाहिए वो बोलने की जो कार्ड्स में आया है। आई कांट ऑल द टाइम मेक स्टोरीज जो आपको प्लीज़ करे। ओके, अगर मैं आपको प्लीज़ करने के लिए वीडियो बनाने लग जाऊंगी तो आपका टैरो रीडिंग पे से भरोसा हट जाएगा, इसलिए मुझे सच बोलना ज़रूरी है। बट अगर वो सच आपको अपना नहीं लग रहा है तो आपको जनरल रीडिंग, जिस चैनल पे हज़ारों लोग आ रहे हैं, जिस रीडिंग पे हज़ारों लोग आ रहे हैं, आपको अगर लग रहा है कि कुछ लोग हैं, मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जो मैं इस वीडियो से रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, तो दैट्स टोटली फाइन। ओके, अब यहाँ पे जो आपकी लाइफ में पर्सन दिख रहा है एनर्जी फील्ड में, वो 7 ऑफ पेंटिकल में दिख रहा है। अब ये पर्सन और क्या फील कर रहा है और ये कौन पर्सन है, क्योंकि मल्टीपल लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, कोई अच्छा इंसान दिख रहा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, तो देखते हैं कि ये पर्सन कौन है और क्या चाहता है और क्या फील कर रहा है। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस कि ये कौन पर्सन है और स्कॉर्पियोज के लिए क्या फील कर रहे हैं। 10 ऑफ वांड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, ये पर्सन है जो पास्ट से आपकी लाइफ में दिख रहा है। ओके, पास्ट से आपकी लाइफ में दिख रहा है ये पर्सन। ये पर्सन ऐसा सोच रहा है कि मैं अब थक गया हूँ या थक गई हूँ इस कनेक्शन में एफर्ट लगाते लगाते। ओके, आई डोंट नो इस पर्सन ने क्या एफर्ट लगाया आपके कनेक्शन पे, बट इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ इस कनेक्शन में एफर्ट लगाते लगाते। ये पर्सन पहले ऐसा लग रहा है कि एफर्ट लगा रहे थे आपके साथ कनेक्शन में, फिर एफर्ट लगाना छोड़ दिया है और अभी थोड़ा सा थोड़ा टेंशन में और स्ट्रेस में है आप दोनों के कनेक्शन के कारण। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स होता है रीयूनियन या रिकंसिलेशन। तो रीयूनियन करना है या नहीं करना है, रिकंसिलेशन करना है या नहीं करना है, उसके साथ में आया है 2 ऑफ पेंटिकल। तो ये पर्सन थोड़ा सा जगल कर रहे हैं इस चीज़ में कि ओके, मुझे स्कॉर्पियो के साथ में कनेक्शन को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस बहुत है इस कनेक्शन में। उसके बाद 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 4 ऑफ सॉर्ट्स और किंग ऑफ पेंटिकल से समझ में आ रहा है कि ये पर्सन अपनी लव लाइफ से ब्रेक ले रहा है और अपने करियर पे फोकस कर रहा है या अपनी फैमिली पे फोकस कर रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और द हर्मिट की एनर्जी है। इस पर्सन को गुस्सा आ रहा है इस कनेक्शन पे, आप पे या फिर अपने आप पे या फिर पूरी सिचुएशन पे, और अभी ये पर्सन थोड़ा सा सॉलिट्यूड में समय बिता रहा है जहाँ पे लव लाइफ पे फोकस नहीं कर रहा है।
उसके बाद एस ऑफ सॉर्ड्स है और क्वीन ऑफ कप्स है। इस पर्सन को क्वीन ऑफ कप्स आप हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, कुछ ऐसी बहुत ही चीज़ें पता चली हैं इस पर्सन को। पता चलने वाली बात यह है कि फीलिंग्स पता चली हों या फिर कुछ हुआ हो उसकी रियलिटी पता चली हो, कुछ क्लैरिटी इस पर्सन को आपसे मिली है और ये पर्सन आपको थोड़ा सा रजिस्ट कर रहा है। मतलब आप दोनों स्टक इसीलिए हैं क्योंकि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहा है या फिर अपनी लाइफ में थोड़ा सा दूर भाग रहा है इस कनेक्शन से ये पर्सन। ओके, अभी यूनिवर्स की क्या मैसेज है आपकी लव लाइफ के लिए वो देखते हैं, या फिर कुछ और हमें प्रिडिक्शन मिल जाए नेक्स्ट 30 डेज के लिए। फाइनेंसेस एंड करियर, अपना ध्यान थोड़ा अपना करियर और फाइनेंसेस पे लगाएं, पहला तो मैसेज ये है कि अपना ध्यान स्कॉर्पियो थोड़ा अपने करियर और फाइनेंसेस पे लगाएं, अपने आप को कुछ बनाने पे लगाएं। दूसरा मैसेज ये है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम एक्चुअली इस वजह से आ सकती है कि आपके पर्सन अपने करियर फाइनेंसेस पैसों पे फोकस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। ओके, वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। वेरी सून यूनिवर्स बता रहे हैं कि लिस्ट बनाइए कि आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, वो पर्सन कैसा होना चाहिए, आप दोनों का कनेक्शन कैसा होना चाहिए, वो पर्सन आपको किस तरीके से ट्रीट करे, उस पर्सन का बिहेवियर क्या हो आपके लिए, उन सब की एक लिस्ट बनाएं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर बहुत ही ज़्यादा लविंग रहे, वो हमेशा मेरे पॉजिटिव साइड को देखें, मैं जैसी हूँ उस तरीके से मुझे एक्सेप्ट करें। क्या क्या चाहते हैं आप एक रिलेशनशिप में क्लियरली डिसाइड करें। ऐसा लग रहा है कि आप यूनिवर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, इसीलिए भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ स्टक हो। कभी आपको लगता है कि नहीं नहीं यही पर्सन चाहिए, कभी आपको लगता है नहीं इससे बेटर मिल सकता है मुझे इंसान, मुझे एक लविंग इंसान चाहिए, मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना जहाँ पर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो डोंट कन्फ्यूज़ द यूनिवर्स, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने इंटेंशंस बहुत ही क्लियर रखें कि आपको किस तरीके का इंसान चाहिए। रिलीज़ योर एक्स। आप में से कुछ लोग जिन्हें पता है कि अब आपके एक्स के साथ में आपका कनेक्शन वापस से रिकिंडल नहीं हो सकता है, तो उसे रिलीज़ कर दें प्लीज़। उसके बाद मेक द एफर्ट और अपने बाकी अपनी लाइफ में एफर्ट लगाएं हील करने के लिए, नए कनेक्शंस फॉर्म करने के लिए, अगर आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना है तो। अनरिक्विटेड लव, आप किसी ऐसे कनेक्शन के पीछे भाग रहे हैं जहाँ पे केमिस्ट्री और अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं है कि ये कनेक्शन फ्लरिश कर सके आगे जाके। ओके ओके, कुछ और मैसेजेस लूँगी मैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं और हम अल्फ़ाबेट्स भी लेंगे फर्दर कन्फर्मेशन के लिए। सी, यूनिवर्स ने आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बताया है कि आप एक दुख भरी ज़िंदगी जियोगे। यूनिवर्स ने आपको ये बताया कि आगे जाके आप बहुत ही लविंग कनेक्शन में रहने वाले हो, चाहे वो कनेक्शन किसी के भी साथ हो। तो प्लीज़ ऐसे रीडिंग्स आप देखो ना तो पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश किया करो। यहाँ पे है बी असर्टिव अगेन, अपने पावर में स्टैंड करना जिस भी कनेक्शन में रह रहे हो आप। ये बी असर्टिव सबके लिए, ऑलमोस्ट सारे साइंस के लिए आ रहा है और मैं बार बार ये सोच रही हूँ कि ये सारे साइंस के लिए क्यों आ रहा है। और मुझे समझ में आ रहा है कि हम जब भी किसी इंसान को पसंद करते हैं, स्पेशली जब हमने बहुत ही ठोकरें खाई हैं अपनी लव लाइफ में, अकेलापन देखा है, हम इतने डेस्परेट होते हैं नेक्स्ट कनेक्शन के लिए कि हम किसी की भी SHIT को हैंडल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बी असर्टिव रहने के लिए बार बार यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, हमेशा अपने पावर में स्टैंड करें, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के लिए भी दाव पे मत लगाएं और जिस भी कनेक्शन में जाएं आप क्लियर रहें कि आप क्या चाहते हैं। इफ़ यू आर दैट पर्सन जिसे अब रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए, जिसे रिलेशनशिप में एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करे, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, तो ये चीज़ें कनेक्शन के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लीजिए कि मुझे कुछ इन एंड आउट नहीं चाहिए, मुझे कुछ टेम्प्रेरी नहीं चाहिए, मैं अपनी लाइफ के ऐसे फेज में हूँ जहाँ पे मेरा टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं फालतू के कनेक्शंस में इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। आप मुझे बताओ कि आपके इंटेंशन क्या है।
राइट, तो वो असर्टिवनेस अंदर आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है इट्स अप टू यू, यूनिवर्स क्लियरली यहाँ पे आपको बोल रही, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं, नो वन इज़ फोर्सिंग यू। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे कनेक्शन में रहना है, मुझे तो वही पर्सन चाहिए चाहे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लग जाए, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर ऐसे कनेक्शन में रहने में खुशी मिलेगी तो आप ऐसे कनेक्शन में रहिए। यूनिवर्स आपको कभी फोर्स नहीं करेंगे, बट यहाँ पे अगेन आया इट्स अप टू यू, ये आपके हाथ में है कि आपको क्या करना चाहिए, बट देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं लाइफ में, और सक्सेस अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल होंगे अपनी लव लाइफ में। गेटिंग मी लुक फॉर अ साइन, यूनिवर्स आपको बहुत सारी जगह से साइन देने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो हमारे स्कॉर्पियो सुन रहे हैं कि नहीं, आई डोंट नो। अब यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, यहाँ पे फायर और अर्थ था जो प्रोमिनेंट दिखा था, तो एरीज लियो सैजिटेरियस, मेष राशि सिंह राशि धनु राशि, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, कन्या राशि वृषभ राशि और मकर राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी दो एलिमेंट जो आपकी रीडिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, उसमें एक फायर है और एक पेंटिकल है। टोटली आपके पास ऑप्शन है कि आप फायर की साइड जाओ या पेंटिकल की साइड जाओ। फायर स्टेबल नहीं होता है, पेंटिकल स्टेबल होता है। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट साइन, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जीज। क्या और कोई साइंस है जो यहाँ पे डोमिनेंट है? इन छह साइंस के अलावा यहाँ पे लिब्रा से स्ट्रांग दिख रहे हैं, तो तुला राशि भी है यहाँ पे। वॉट एल्स यूनिवर्स प्लीज शो अस। ओके ओके, सो हमें यहाँ पे और जो साइन दिखे हैं, आपके पर्सन भी स्कॉर्पियो हो सकते हैं और कैंसेरियंस हो सकते हैं। लेट्स सी, अल्फाबेट में आपको आपका नाम मिल सकता है, आपके पर्सन का नाम मिल सकता है, वो फर्दर क्लैरिफिकेशन होगा। यहाँ पे लिब्रास फिर से आए हैं तुला राशि, और यहाँ पे लियोज आए हैं सिंह राशि, एंड दे लेट अस वी हैव, ओह यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे यूनिवर्स की। सो वी हैव द लेटर टी एंड क्यू एंड ओ, बहुत सारे लेटर्स आए हैं, टी ई डब्ल्यू आर। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके स्कॉर्पियोस, ओ माय गॉड, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे ए है, टी है, ए ए पी आई जी ओ ई आई ई ए एन डी एल ए एंड वी। तो देख लीजिए ये सारे लेटर्स, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मैं आप सबकी वेलबींग के लिए और एक अच्छी लव लाइफ के लिए प्रे करूँगी स्कॉर्पियोस। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।